यहाँ पे डिजीज के लिए। तो डिजीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले तो इनके पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस मतलब कैरियर्स वगैरह जो भी हैं वो होंगे सब कुछ यहाँ पे, जिसमें हम वायरस भी लेते हैं, बैक्टीरिया भी लेते हैं, उसके बाद फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है यहाँ पे। बट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डिजीज जो किसी मेटल के एक्सपोजर से हमें ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, तो मुख्यतः आइए बढ़ते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो प्रमुख हमारे पास यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे इस तरफ डिजीज का नाम लिखा हुआ है, ये मेटल का नाम लिखा है यहाँ पे एलिमेंट का, और ये इसको याद करने की एक मेरी कोशिश है कि ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा, राइट। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कैडमियम से यहाँ पे एक इटाई इटाई करके बीमारी होती है, उसके बाद एम्फिसीमा करके बीमारी होती है, तो दो बीमारियां यहाँ पे होती हैं किसके चलते, कैडमियम के एक्सपोजर के चलते होती है। इटाई इटाई में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है चल, और ये लंग्स के साथ संबंधित होता है। और इसको याद करने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है डिजाइनिंग के लिए, कैड एम आई टी, इसको थोड़ा सा कैड इन आई टी करके याद रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एम इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां पे एम्फिसीमा था, और कैड से कैडमियम, आई टी से इटाई इटाई आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ दूसरे नंबर पे आता है लेड, ठीक है, ये तो वैसे ही एयर पोल्यूटेड है ही हमारे पास यहाँ पे, तो जो प्लम्बिज्म होता है वो लेड के कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसको दोनों को संयुक्त रूप से मैंने प्लीड, इंग्लिश का नाम भी हम यूज करते हैं तो वो हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे पी एल से प्लम और एल ई से लीड को याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है सिड्रोसिस होता है, ये किससे होता है, आयरन डस्ट से होता है। जो लोग लोहे की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये अधिकांश देखने को मिलता है यहाँ पे, मजदूर वर्ग में खास करके अधिक होगा क्योंकि वही वहां पे काम करेंगे। इसको कैसे याद रखिएगा, आयरन साइड, ठीक है, आयरन साइड, क्लियर। इसके बाद है सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन कह सकते हो सिलिका, तो ये सिलिकोसिस होता है यहाँ पे, बेसिकली लंग्स के साथ होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके नाक के रास्ते से ये लंग्स को आगे चल के इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में, जो सबसे बड़ा शब्द भी है वो भी इसी बीमारी बीमारी से, यहाँ पे निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वोल्केनो केनोसिस, वो सिलिकॉन के एक्सपोजर से ही होता है। यहाँ पे सर्च करके देखिएगा, ये इंग्लिश के सबसे बड़े शब्दों में से एक आता है। इसके बाद आती है जो लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं, ब्लैक डस्ट वहां पे होती है, तो वहीं से याद रखें कोयला काला है, तो ब्लैक लंग इनके साथ होगी यहाँ, ठीक है, ब्लैक लंग कोयले से। अब ये होगी हमारी प्रमुखता। अब यहाँ पे सबसे कॉमनली ये पूछी जाती है, और ये पूछी जाती है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी। इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमारे अगले मेटल्स होंगे यहाँ पे। अगले मेटल्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पे कॉटन का, ठीक है। तो कॉटन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिस्नोसिस जो बीमारी होती है वो बेसिकली कॉटन से ही होती है वही, या फिर ये भी कह सकते हो थ्रेड इंडस्ट्री भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थ्रेड जो धागा बनता है वहां पे उस क्षेत्र में भी इसको पाया जाएगा। अब इसको कैसे रखोगे, बाय कॉटन, बाय से बिस्नोसिस हो जाएगा, और कॉटन तो कॉटन है ही हमारे पास। फिर इसके बाद आती है यहाँ पे मरकरी, मरकरी जो अपने आप में पॉइजनस एक मेटल है हमारे पास, लिक्विड भी रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ जो बीमारियां होती है मिनमाता, डिस्पेनिया, फाइब्रोसिस, ये तीन बीमारियां होती हैं जो बेसिकली किसके कारण होती है, यहाँ पे मरकरी से कारण होती है। तो मिनमाता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा जरूर यहाँ पे। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है, एमआई कंपनी का वाईफाई से अब बन चुका है डाईफाई, ठीक है, डी वाई से डिस्पेनिया हो जाएगा, और एफ आई से फाइब्रोसिस हो जाएगा, जबकि एमआई से निर्माता, और नी से मरकरी भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी मरकरी। मरकरी के बाद आती है भाई यहाँ पे बात बात किसकी, यहाँ पे एबिस्टोस की, एबिस्टोस से व्हाइट लंग डिजीज, और इसके साथ साथ मीजोथिलीमा, ये दो बीमारियां होती हैं किससे, एबिस्टोस से होते हैं। इसको याद रखिएगा यहाँ पे मीजो व्हाइट, मीजोस्फेयर आप एक लेयर पढ़ते हैं ठीक, उसी तरीके से मीजो व्हाइट याद रखिएगा, एबिस्टोस से होती है यहाँ पे। इसके साथ होती है हाइपर केराटोसिस होती है आर्सेनिक से, तो हाइपर केराटोसिस में होता क्या है, जो जो केराटिन जो हमारा केराटीन प्रोटीन है वो ज्यादा बनने लगता है यहाँ पे हमारे उंगलियों में, उंगली बनी नाखून में बनेगा यार, ठीक है। अब इसके बाद अंत में आता है यहाँ पे क्रोमियम आता है, यहाँ क्रोमियम है तो बहुत चमकीला, लेकिन अगर इसका ज्यादा एक्सपोजर हो जाए यहाँ पे तो एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस से क्या हो जाएगा, बॉडी में
जो एसिड बनने की प्रवृत्ति होती है कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक मेटल्स के ऊपर, मेटल से होने